पिछले कुछ दिनों में पुष्पा पार्ट टू को लेकर बहुत मजे मजे की न्यूज जो है वो मार्केट में भाई साहब घूम फिर रही हैं। इनमें कौन सी ठीक थी कौन सी ठीक नहीं थी उसी को कलेक्ट करने में टाइम लग गया, अदरवाइज आपने तो भाई साहब कोई कसर नहीं छोड़ी कि हर एक मूवी पे वीडियो आ रही है। लेकिन पुष्पा पार्ट टू जो कि इतनी बड़ी फिल्म है, 1000 करोड़ वाली फिल्म है, उस पर आप कोई वीडियो नहीं बना रहे। ये वो जब भी वीडियो बनाते हो पोस्टपोन की बनाते हो तो क्या सीन है? तो गाइस मैंने आपको क्या बोला कि इस टाइम मार्केट में ओरिजिनल न्यूज से ज्यादा फेक न्यूज र्यूमर्स इतने ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली पुष्पा पार्ट टू को लेकर चल क्या रहा है। मजा आने वाला है आपको, तो वीडियो को लाइक मैंने नहीं करना, आप लोगों ने करना है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियो आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले भाई साहब मैं आपको ना एक चीज याद दिलाता हूं, मैं ये चीज पुष्पा पार्ट टू के बारे में कई वीडियो में बोल चुका हूं कि क्लाइमैक्स को लेकर ये लोग बहुत सीरियस हैं। यानी कि पुष्पा टू के मेकर, चाहे अल्लू अर्जुन ले लो, चाहे डायरेक्टर ले लो, चाहे मैं कहता हूं म्यूजिक डायरेक्टर ले लो, डीएसपी, ये सारी ही जो इस फिल्म का क्लाइमैक्स होने वाला है ना, इसको लेकर भाई साहब बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पर सोच रहे हैं। यानी कि आज से पहले मैंने बड़ी बड़ी मूवीज भाई सब हमने देखी, अभी कल्कि ने 1000 करोड़ किया, लास्ट ईयर जवान पठान ने 1000 करोड़ किया, भाई उनकी भी मैंने कभी ऐसी न्यूज नहीं सुनी कि उनके मेकर्स क्लाइमैक्स को लेकर इतने ज्यादा जो है ना वो एक्साइटेड। इवन कि अभी कल्कि का भाई साहब आप क्लाइमैक्स देखो, वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स, ट्विस्टेड क्लाइमैक्स मैं बोलूंगा कि एक दफा शॉक करके रख देता है। लेकिन हमने देखो ना, मैंने कल्कि की एक छोटी सी छोटी अपडेट आपको दी है, लेकिन कभी भी मैंने आपको ये नहीं बोला होगा कि कल्कि का क्लाइमैक्स आपको शॉक कर देगा, ऐसी कोई न्यूज़ मिली ही नहीं थी। लेकिन भाई साहब इधर पुष्पा 2 के टाइम 3 से 4 बार बल्कि मल्टीपल टाइम ये चीज मिल देखने को मिल रही है कि ये लोग क्लाइमैक्स में कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। इवन के ये न्यूज़ भी ऑफिशियली कंफर्म थी जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि मेकर्स इस फिल्म का क्लाइमैक्स शूट कर चुके हैं 2 बार, 2 डिफरेंट क्लाइमैक्स। ऐसा नहीं कि 2 बार शूट किया एक ही क्लाइमैक्स शूट किया, नहीं, 2 बार शूट किया, डिफरेंट क्लाइमैक्स शूट किए, लेकिन दोनों के दोनों रिजेक्ट कर दिए। मेरा भाई रिजेक्ट कर दिए। इस फिल्म की शूटिंग इतना डिले क्यों हो रही है? इन वजह से हो रही है मेरा भाई कि इस फिल्म को बड़े से बड़ा बनाया जा रहा है। यानी कि एट द एंड जब कोई देखेगा ना कि भाई साहब पुष्पा पार्ट टू, तो वो ये नहीं बोलेगा कि भाई साहब पुष्पा पार्ट वन बड़ी थी या पुष्पा पार्ट टू जो है वो कोई छोटी फिल्म है। जितनी भी इंडिया में बड़ी फिल्म हमने देख रखी है ना, चाहे भाई साहब आप कल्कि लो, देखो लगता है कि कल्कि एक बहुत बड़ी फिल्म है, बाहुबली 2 लगता है बड़ी फिल्म है, जवान लो लगता है बड़ी फिल्म है, सालार, खानसार, ये चीजें लगती हैं कि बड़ी हैं। इसी तरह से गाइस ये लोग पुष्पा 2 को भी करना चाह रहे हैं कि जब हम पुष्पा 2 देखेंगे, उसकी दुनिया वो जो भी है वो सारा कुछ चंदन की लकड़ियों वो सारी डील देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो हमें बहुत बड़ी लगेगी। तो उसी चीज को ये लोग भाई साहब एक अलग लेवल पर लेकर जाने चाहते हैं। तो क्लाइमैक्स को लेकर न्यूज ये निकल कर आई कि कुछ दिन पहले, यानी कि कुछ दिन से मुराद 1 से 2-3 दिन पहले, क्लाइमैक्स का कुछ पोर्शन लीक हुआ था थोड़ा सा, जो कि एक दफा शॉकिंग था। रीजन अब यहां पर एक सीन है, क्लाइमैक्स का जो पोर्शन लीक हुआ वो मैंने भी नहीं देखा। वैसे ओवरऑल कल पुष्पा 2 की बहुत सी लीक्स मेरे पास पड़ी हैं। यस, मैं आपको दिखाऊं आप हिल जाओगे, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है कि मैं खुद भी नहीं देखता हूं, और मैं ये जो क्लाइमैक्स का थोड़ा सा पोर्शन लीक आउट हुआ, अब आप में से बहुत से ऑडियंस को ये पता भी नहीं होगा, लेकिन ये जो पोर्शन लीक हुआ इसको फौरन रिकवर कर लिया गया, कवर कर लिया गया, जो भी था एटसेट्रा ओके हो गया। लेकिन यहां पर न्यूज ये फिर निकल कर आई कि अभी भी ये लोग जो क्लाइमैक्स का सोच रहे हैं वो भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है मेरा भाई। ये इन लोगों ने इसी वजह से इस फिल्म को आगे किया था, मेन रीजन ये थी कि हमें क्लाइमैक्स में कुछ सोचने को और मिल जाए, टाइम मिल जाए। जैसे गाइज अभी अगस्त 15 अगस्त को आनी थी, 15 अगस्त जब आनी थी और जब ये पोस्टपोन हुई थी तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन अभी मेकर्स के पास गाइज अच्छा खासा टाइम है, दिसंबर 6। और मैं तो गाइज जो अपना बताऊं तो मेरे तो अभी भी जो सोर्स है, जो बड़े सोर्स है, वो यही बोल रहे हैं कि ये फिल्म इस साल दिसंबर 6 पे नहीं आ सकती है। इसकी शूटिंग का काफी सारा पोर्शन रहता है, यानी कि क्लाइमैक्स शूट करना है इन लोगों ने, क्लाइमैक्स के बाद इन लोगों ने गाना शूट करना है, कुछ इस तरह का है। और कहीं ना कहीं गाइज आप देख ले के
ये चीज जो है अगर इन लोगों ने अभी कवर ना की तो ये फिल्म जो मेरे सोर्स के अकॉर्डिंग पोस्टपोन होके समर 2025 पे चली जाएगी तो जाती दिख रही है। और अगर ये समर 2025 पर चली गई, इस फिल्म को भूल कर भी कोई अच्छी रिलीज डेट नहीं मिलेगी। अगर मैं 6 दिसंबर पर आऊं, जो अभी करंट इसकी रिलीज डेट है, तो कहीं ना कहीं वो गाइज हम उसको अच्छी रिलीज डेट कह सकते हैं, थोड़ी बहुत अच्छी, 15 अगस्त के लेवल की नहीं है। अब आप बोलेंगे कि 15 अगस्त को तो इतनी ज्यादा मूवीज है, भाई ये अभी आई है जब पुष्पा 2 पोस्टपोन हुई थी। अगर पुष्पा 2 ने अनाउंसमेंट की होती ना कि मैं 15 अगस्त को आ रही हूं, भाई साहब इन मूवीज में से आपको कोई एक भी नजर ना आता। सिंघम 3 जो इतनी बड़ी फिल्म है, जो बॉलीवुड का भाई साहब क्या पता एक दोबारा नाम बदल के रख दे, एक बड़ी हिट हो जाए, वो फिल्म पोस्टपोन हो गई, तो ये बच्चों वाली फिल्म तो भाई साहब आपको नजर भी ना आती। तो 6 दिसंबर उस लेवल की डेट तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उसी महीने में क्रिसमस पर फिर भाई साहब गेम चेंजर होगी 2 हफ्ते के बाद, तो कहीं ना कहीं स्क्रीन का इश्यूज, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। बॉलीवुड की भी आमिर खान की सितारे जमीन पर हैं, वो फिल्म भी आएगी, कहीं ना कहीं उसने भी आना है, और भी गाइस कुछ मूवीज हैं। तो जब ये क्लैश होगा तो भाई क्लैश में आपको पता है कि पुष्पा 2 तो उनको फाड़ डालेगी कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मूवीज भी पुष्पा 2 की जो नंबर ऑफ स्क्रीन्स है उन पर इफेक्ट जरूर डालेंगी, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो ओवरसीज है। और आपको ये भी पता है कि ओवरसीज में जो क्रिसमस है वो बहुत बड़ा इवेंट है, चाहे इंडिया में छोटा है जो भी है, लेकिन ओवरसीज में बहुत बड़ा है। तो ओवरसीज पर जब क्रिसमस होता है ना, तो तब भाई साहब बहुत बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज होती हैं ओवरसीज में भी, तो एक वो भी प्रॉब्लम है। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होने वाला है। लेकिन अगर मैं अभी आपको करंटली बताऊं तो करंटली इस फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन भाई साहब ये जो कुछ सीक्वेंस शूट हो रहे हैं ये छोटे से सीक्वेंस है, अब नहीं कंफर्म कि ये कौन से सीक्वेंस है, लेकिन इनको क्लाइमैक्स का हिस्सा नहीं बोला जा सकता है। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि मेकर्स भाई साहब नेक्स्ट क्या स्टेप लेते हैं। लेकिन अगर फिलहाल मैं बताऊं तो फिलहाल उस तरह का कोई आ नहीं रही न्यूज जैसे कल। अगर मैं वैसे तो ओवरऑल बोलूं तो डीएसपी की बर्थडे थी, तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, तो मेकर्स ने उनको विश कर रखा था, और उनके उनका पोस्टर डालते हुए नीचे लिखते हैं ग्रैंड रिलीज ऑन 6th ऑफ दिसंबर। अब ऐसी पोस्ट ये लोग 15 अगस्त को जब रिलीज करनी थी तब भी करते थे, तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म 6th दिसंबर को ही आएगी या फिर आगे चली जाएगी? तो भाई एक साथ रिक्वेस्ट के आगे मत लेकर जाइएगा भाई साहब, समर में आप भूल जाओ, समर में टॉक्सिक है, दी राजा साहब है, कांतारा 2 है, वॉल 2 पड़ी है, भाई साहब उधर इतनी बड़ी बड़ी मूवीज है कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यानी कि आपकी फिल्म आई 1 महीने बाद तो बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा, 2 हफ्ते बाद ही गाइस कोई ना कोई बड़ी फिल्म आ जाएगी। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आपके इस बारे में क्या कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।